खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां आज दिनांक 24 फरवरी सोमवार को जनपद के आर्य समाज स्कूल में ऋषि बोधोत्सव एवं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के बच्चों को अपनी कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर उन्हें प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक मऊ अनुराग आर्य व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंकुर लाठर शामिल हुई, जहां विद्यालय के शिक्षकों द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं विद्यालय की छात्राओं द्वारा मुख्य अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत गाकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी कक्षा के बच्चों को विभिन्न विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करने पर सभी छात्र छात्राओं व उनके परिजनों को माला पहनाकर व उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी छात्र छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए पुलिस अधीक्षक मऊ अनुराग आर्य ने कहा कि भविष्य में आपका जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट हो, उसके लिए सदैव प्रयास करते रहें और हर क्षेत्र में खुद को विकसित करें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में आपके लिए खुद को डेवलप करना जरूरी है, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकेंगे। पीएलए न्यूज़ के लिए मऊ से शादाब काजमी की रिपोर्ट। किस तरह का कार्यक्रम? आर्य समाज मऊ के द्वारा आज मातृशक्ति को और जो बच्चे जिन्होंने अलग अलग क्लासों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए हैं, जिनके द्वारा बहुत अच्छी परसेंटेज लाई गई है, उनको सम्मानित किया गया है और इसमें मुझे इनवाइट किया गया था। बहुत अच्छा एक आयोजन है, इससे जो बच्चों में प्रेरणा मिलती है, उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करने की, अच्छे संस्कार ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आयोजकों को, इतना अच्छा आयोजन कराया और हम लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया। जिन बच्चों को सम्मानित किया गया उनके भविष्य के लिए उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरी शुभकामनाएँ हैं और मैं उनको यही कहूँगा कि जो भी आपने जीवन में अपना लक्ष्य बनाया है, जो भी आपने एम रखा है, उसके लिए लगातार सतत प्रयास करते रहें और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आपका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑलराउंड पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, तभी आप जीवन में आगे जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे। कई बच्चियां हैं छोटे क्लास की जिन्हें पुरस्कृत किया गया है, अच्छे अंक प्राप्त किया उन्होंने, पर आगे एक कहीं ना कहीं बच्चियों की शिक्षा में भी जो है जो परिजन होते हैं उनके हिचक होती है उन्हें बाहर भेजने में और अच्छी शिक्षा के लिए। अब धीरे धीरे इन चीज़ों में बदलाव आ रहा है, आप देख रहे हैं कि आजकल बच्चियों की शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और जब भी CBSE ICSE की लिस्ट आती है टॉपर्स की, तो टॉप 10 में ज़्यादातर 5, 6, 7 लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं। तो और इसी मैसेज को समाज में और ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है। मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से, अभिभावकों से, कि बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करने दें और हायर एजुकेशन में उनको प्रेरित करें, क्योंकि ज़्यादा मेहनत कर लेती हैं लड़कों से और उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी बच्चियों ने एग्जामिनेशन में और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हासिल किए हैं।